हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ये कंसेप्ट जानने के पहले हमें ये जानना है कि यार ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होता क्या है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करो एक फर्म है, उसमें पार्टनर है ए बी और सी और उनका रेशियो चल रहा है 3:1। मतलब अगर 6 रुपये प्रॉफिट होगा तो ए को 3 रुपये, बी को 2 रुपये और सी को 1 रुपये। अब हुआ क्या, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ पूरे साल के अंदर लेट सपोज 9,000 रुपीज़। कितना फायदा हुआ, 9,000 रुपीज़। अब होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म पता क्या करती है, जो फायदा हुआ वो पार्टनर्स को बांट देती है। मतलब ये जो 9,000 रुपीज़ जो फायदा हुआ उसने ए बी सी को बांट दिया। कौन से रेशियो में, 3:1 में बांट दिया। मतलब इसको 4,500 दे दिया, इसको 3,000 दे दिया, इसको 1,500 दे दिया और ये मैंने कहाँ डाल दिया, ए के कैपिटल में डाल दिया, बी के कैपिटल में डाल दिया, सी के कैपिटल में डाल दिया। हमने 9,000 रुपीज़ पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होती है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालती है, कुछ पैसा अपने पास रख देती एज अ रिजर्व। मतलब रिजर्व रखती है, अपने पास पैसा रखती है। हाँ रखती है, क्यों रखती है, एमरजेंसी यूज के लिए। अगर कुछ फ्यूचर में कुछ एमरजेंसी यूज आ गया तो वो अपने पास प्रॉफिट अपने पास रखती है। जैसे कि आपके पापा मम्मी जो भी, अगर आपके जो भी इनकम आती है क्या वो पूरा का पूरा खर्च कर लेते हैं हर महीने, नहीं। कुछ पैसा वो सेविंग में डालते हैं, कुछ पैसा शेयर्स में डालते हैं, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। सेम वे हम जो पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी क्या करती है, कुछ पैसा तो पार्टनर्स को बांट देती है, भाई ये ठीक है, ये तुम्हारा पैसा, कुछ प्रॉफिट अपने पास रख देती है जो कि प्रॉफिट वो नहीं बांटती। उसको मैं एक्चुअली बोलता हूँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस। और अगर मैं आपकी भाषा में बात करूँ तो उसको मैं कहता हूँ गुल्लक। मतलब पार्टनरशिप फर्म ने अपने पास कुछ प्रॉफिट रखा हुआ है जो अब तक उसने पार्टनर्स को नहीं बांटा, तो उसको मैं बोलता हूं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो मैंने अब तक पार्टनरशिप पार्टनर्स को नहीं बांटा। तो ये हमारा बैलेंस शीट में दिखता कैसा है, देखो बैलेंस शीट में ऐसा दिखता है, नॉर्मली लाइबिलिटी साइड में क्या आता है, प्रॉफिट आता है, एसेट साइड में लॉस आता है। कंसेप्ट पता ना, क्लास 11 में पढ़ा था भाई। अगर सपोज करो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मुझे जो प्रॉफिट हुआ मैंने अभी तक पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसका मतलब है कि मुझे आज नहीं तो कल तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे फायदा हुआ 9,000, मैंने 6,000 ही पार्टनर्स को बांटा, तो 3,000 रुपीज अभी भी बांटना बाकी है, 3,000 रुपीज अभी बांटना बाकी है। तो वो जो 3,000 रुपीज है वो मेरा लाइबिलिटीज में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मैं हूँ पार्टनरशिप और मैंने जो प्रॉफिट कमाया अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का। तो मैंने 9,000 में से 6,000 तो दे चुका हूँ, 3,000 देना बाकी है। तो 3,000 मेरी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। और उनके जो नॉर्मली नाम क्या क्या होते हैं, एक नाम होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 4 मेन नॉर्मली हेडिंग्स होती है। क्या होती है, नॉर्मली लाइबिलिटी साइड में 4 आइटम ही आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये 4 हमारे क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द पार्टनर। तो ये मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, दीज आर ऑल, ये मेरा क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो मैंने अभी तक नहीं बांटे। और एसेट साइड में हमारे क्या आते हैं, लॉसेज आते हैं। क्या आते हैं, एसेट साइड में लॉसेज आते हैं, वो लॉसेज जो अभी तक मैंने पार्टनर से नहीं लिए, या वो वाले खर्चे जो मैंने अपने एसेट्स में दिखा रखे हैं। मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है तो वो पार्टनर से लेगी। मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है जो अब तक उसने नहीं बांटा तो मतलब मुझे पार्टनर्स को देना है। अगर फर्म को लॉस हो रहा है जो अभी तक उसने पार्टनर से नहीं लिया तो वो मेरा एसेट में आएगा। तो नॉर्मली ये 7 हेडिंग होती है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ये जो तीनों, ये जो आइटम है ये कहाँ पे आएंगे, ये आते हैं आपके लाइबिलिटीज में आते हैं, ये आपके लाइबिलिटीज में आते हैं, और ये 3 आइटम कहाँ पे आते हैं, एसेट्स में आते हैं। रिमेंबर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी
है, ये रिजर्व नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेरा एक्लूमिनेटेड प्रॉफिट नहीं है, वो मुझे एम्प्लॉय को देना है। जो मुझे पैसा मुझे पार्टनर्स को देना है वो मेरा होगा एक्लूमिनेटेड प्रॉफिट। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ रहा है तो उसको आप टोटली इग्नोर करोगे फॉर अ रिजर्व पर्पज। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। मतलब पहला ट्रीटमेंट मैं आपको आज पहला ट्रीटमेंट बताऊंगा। पहले ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ पार्टनर्स में, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, तब हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर वन, व्हेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो भी हमारा बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ रहा है, हमारा रेशियो चेंज हो गया, तो हम पूरा का पूरा ये जो प्रॉफिट है अल्टीमेटली पार्टनर्स के अकाउंट में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? बिकॉज हमारा रेशियो चेंज हो गया। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपये है ना, ये मैं पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दूंगा। मतलब जैसे हमारा रेशियो चेंज हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो जितना भी मेरा गुल्लक पड़ा हुआ है उस सबको गुल्लक को तोड़ दूंगा और उस सारे गुल्लक के पैसे पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर डाल दूंगा। और जो इसमें मेरी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें फिर ये 0-0 दिखेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। सी, पहला केस कौन सा कर रहा हूँ, व्हेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, इसका मतलब है कि व्हेन न्यू बैलेंस शीट, जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तब नई बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 0 होगा। व्हेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना होगा? 0 होगा। एग्जांपल के लिए सपोज करो ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2022, और इस दिन सपोज करो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो गया। सपोज करो हमारा ए बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3-2-1 चलता हुआ आ रहा है। हमारी पार्टनरशिप हम लेट सपोज 2005 में फॉर्म हुई है, अब ईयर 2022 आ गया और ए बी सी ने सोचा कि यार अब एक काम करते हैं, हमारा जो रेशियो है ना वो चेंज कर लेते हैं। मतलब अब तक 3-2-1 चलता हुआ आ रहा था, मतलब 6 रुपये प्रॉफिट में ए को 3 रुपये, बी को 2 रुपये और सी को 1 रुपये, पर अब ए बी सी ने कहा यार एक काम करते हैं रेशियो चेंज करते हैं, तीनों बराबर की मेहनत कर रहे हैं, अब उन्होंने रेशियो कर दिया 1:1:1। अब हुआ क्या कि आपको एक कंसेप्ट सिंपल सी बात बता रहा हूं, जब 2005 की बात थी तब मेरे पास एक्लूमिनेटेड प्रॉफिट, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बट ऑब्वियस मेरे पास 0 होगा, भाई बिजनेस स्टार्ट ही किया तो कुछ प्रॉफिट तो होगा नहीं। पर जैसे जैसे हमने बिजनेस आगे बढ़ाया तो 2022 जहाँ पे हमारा रेशियो चेंज हो गया, ए बी सी का रेशियो हो गया 1:1:1, उसके बाद हमारा रेशियो, पहले क्या क्या रेशियो था ए बी और सी का, सर पहले रेशियो था 3:1 और उसके बाद रेशियो क्या हो गया 1:1:1। तो अब क्या हो गया, यहाँ तक का जितना हमारा रेशियो कहाँ चेंज हो गया, यहाँ पहले ये रेशियो था अब ये रेशियो, तो यहाँ तक जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ वो ए बी सी ने कमाया कौन से रेशियो में, 3:1। सपोज करो यहाँ तक का जो भी मेरा प्रॉफिट था, सपोज करो यहाँ तक का मेरा जो एक्लूमिनेटेड प्रॉफिट था लेट सपोज 30,000 रुपीज था, तो ये जो 30,000 रुपीज प्रॉफिट है जो अब तक मैंने पार्टनर्स को नहीं बांटा है वो मैं बांट देता हूँ। कौन से रेशियो में बांटूंगा, 3:1 ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया वो ए बी सी ने ओल्ड रेशियो में कमाया। तो यहां पे मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो ये मेरी बैलेंस शीट है और जो मेरे जो ए बी सी का जो ओल्ड रेशियो था वो 3:1 था, ओके लेट सपोज 2005 में, और 2021 में उन्होंने रेशियो बना दिया 1:1। अब हमारा रेशियो चेंज हो गया, तब हम पहला एंट्री क्या करेंगे, हम पहली एंट्री करेंगे इन सबको डिवाइड करेंगे और एंट्री क्या करेंगे, सुनो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सुनो मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर मुझे किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में आ रहा है, कहां पे आ रहा है, लायबिलिटी साइड में आ रहा है, तो सुनो कोई आइटम लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मेरी लायबिलिटी है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको तोड़ना है मतलब मैं गुल्लक को तोड़ रहा हूं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो लायबिलिटी को तोड़ने के लिए उसको डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट को डेबिट करूंगा तो वो टूट जाएगा। मतलब मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा। कितने पर डेबिट करूंगा, लेट्स
सपोज 10,000 से मैंने डेबिट किया, क्लियर है। सिमिलरली मैं जनरल रिजर्व को भी क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। कितने पे डेबिट करूंगा, 15,000 पे डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा तोड़ने के लिए। सिमिलरली वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो भी अमाउंट आ रहा है 3,000 and 2,000 उसको मैं तोड़ दूंगा। मतलब जो क्रेडिट में आइटम आ रहा है, ये लाइबिलिटी में सब क्रेडिट आइटम आ रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए मैं उनको डेबिट कर दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, और ये मैं बांट दूंगा ए बी और सी में बांट दूंगा। कौन से रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, ये जो पूरा प्रॉफिट है, ये ए बी सी ने ओल्ड रेशियो में कमाया, ना कि न्यू रेशियो में कमाया है। तो ये 3:1 मेरा ओल्ड रेशियो चल रहा है। कितना हुआ, 10, 25, 25 और 30, तो 30 को डिवाइड करो 3:1 में, 30,000 को डिवाइड करो 3:1 में, तो सर हो जाएगा 15,000, 10,000 और इसको मिलेगा आपका 5,000, क्लियर है। तो ये मैंने बांट दिया। एसेट साइड में जो भी मेरे लॉसेज आ रहे हैं, एसेट साइड में जो भी मेरे लॉसेज आ रहे हैं उसको भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब सुनो, एसेट साइड में जो लॉसेज आ रहे हैं, एसेट साइड का मतलब है उनका डेबिट बैलेंस है, उनको तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो उनको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो सॉरी डेबिट नहीं, क्रेडिट करूंगा, बिकॉज एसेट साइड में जो बैलेंस आ रहे हैं वो डेबिट में आ रहे हैं, उनको तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री क्या करूंगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, मतलब ये मेरा लॉस चल रहा है, कितना है, 3,000, 1,000 and 2,000, टोटल 6,000 रुपीज है, और ये मैं पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा। तो मैं ए डेबिट, बी डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट एंड सी कैपिटल डेबिट, 6,000 को डिवाइड करूंगा 3:1 के अंदर, 6,000 को डिवाइड करूंगा 3:1 के अंदर, इसका मतलब है 3,000, 2,000 और 1,000, क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे पार्टनर्स का ए बी और सी, ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा ए बी और सी, ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड, ये जो तीनों जो प्रॉफिट है ये मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 15,000, 10,000 और 5,000, और जो मेरे लॉसेज हैं वो मैं डेबिट कर दूंगा यहाँ पे 1,000। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, मैंने पूरा का पूरा जितना भी प्रॉफिट अब तक का था, जो मैंने अब तक पार्टनर्स को नहीं बांटा, वो मैंने उनको बांट दिया। और उसके बाद जब वो बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट में प्रॉफिट ज़ीरो आएगा, नई बैलेंस शीट में प्रॉफिट ज़ीरो आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, जीरो। जनरल रिजर्व कितना आएगा, जीरो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना आएगा, जीरो। क्यों सर ये सब जीरो क्यों आएगा, बिकॉज अब मैंने इसको बांट दिया। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 कराया है, जहाँ पे जितना भी मेरा बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ रहा है वो मैं पार्टनर्स को बांट दूंगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। सी, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। उनका ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2। सुनो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा ए सॉरी मेरा एक्स वाई और जेड, तो उनका रेशियो चल रहा है 5:3:2 चल रहा है, ओके। फ्रॉम 1st अप्रैल दे डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो इनटू द 1:1। अब उनका ये ओल्ड रेशियो है, अब वो बोलते हैं कि अब हम एक काम करते हैं, रेशियो कर लेते हैं 1:1:1, ओके। वो बोलता है उस दिन मेरे बैलेंस शीट में ये सब दिख रहा है, लाइबिलिटीज और एसेट ये दिख रहा है। Record the necessary journal entry in the following cases if undistributed profit are to be distributed. मतलब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सुनो लाइबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली किसका है, पार्टनर्स का है, तो बांट दो। लाइबिलिटी साइड का आइटम आता है क्रेडिट, तो उसको क्या करूंगा मैं,
डेबिट कर दूंगा। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से करूंगा सर 5000। सिमिलरली मेरा जनरल रिजर्व, सर मैं जनरल रिजर्व को डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो मैं उसको डेबिट कर रहा हूं 4000। सिमिलरली वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना है सर, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है आपका 1000। ये मैं क्या करूंगा पार्टनर्स को, ये मैं सबको डेबिट कर रहा हूं, और ये मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। कौन से रेशियो में डालूंगा सर 5:3:2। हमेशा ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो, ये हमेशा कौन से रेशियो में होगा सर, ओल्ड रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो कौन सा हो गया 5:3:2, तो 5 + 10 का हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 5000, इसका हो जाएगा 3000 और इसका हो जाएगा 2000। क्लियर है, तो ये तो मैंने बांट दिया, और यहाँ पे एक और एंट्री करूंगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंशन, ये मैंने बांट दिया, ये भी तो बांटना है। एसेट साइड में जो आइटम है उसका बैलेंस डेबिट है, उसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको क्रेडिट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है सर 4000, और ये मैं पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा, क्या करूंगा एक्स कैपिटल Y कैपिटल और Z कैपिटल, हमेशा ओल्ड रेशियो में करूंगा। ओल्ड रेशियो क्या है सर 5:3:2, तो इसका मतलब है 10 को डिवाइड को 400, तो इक्वल टू 2000, 1200 और 800। क्लियर है नहीं क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको यही कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब भी कोई रेशियो चेंज होगा, जितना भी प्रॉफिट है वो मैंने पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दिया, जितना भी लॉस है वो मैंने पार्टनर से ले लिया, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और उसके बाद जब मेरी नई बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर मेरा जनरल रिजर्व जीरो आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जीरो आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जीरो आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जीरो आएगा, क्योंकि मैंने सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। क्लियर है, तो यहां पे मैंने आपको केस नंबर 1 बताया, जहां पे जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं वो मैं पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दूंगा ओल्ड रेशियो में, जैसे ही मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, हमें गुल्लक तोड़ना नहीं है, तब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब हमें एज इट इज दिखाना है तब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, तो वो मैं आपको बढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, सो दैट मैं रोज आपके जो वीडियो होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एंड जब अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, सो दैट ये अकाउंट फंडा चैनल ग्रो करे। एंड जब सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है, क्लास 12th ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरा व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप करो ये नंबर पे, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। एंड मेरा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 100% कोर्स रिकॉर्डेड है 11th एंड 12th का, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, एंड इट इज 100% जो आपका 11th 12th का जो कंप्लीट कोर्स है वो पेन ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है, तो सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर ही लेना, एंड यस डू कमेंट आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब हमको वो गुल्लक तोड़ना नहीं है। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।